Good morning, dear students. In this video, we discuss about the very important thing, and this is the fundamental thing of the grammar. And this video is for class 6, and this is the fourth chapter of class 6. We discuss about the fundamental thing. First thing is because it is important for the English today. Subject or object. And first of all, we discuss about the subject. What is the definition of the subject? Is the verb which denoting the person in the sentence, which called subject. Example: Sita is reading a book. Subject means definition is the verb which denoting the person in the sentence, which called subject. Next, we will learn them. किसी सेंटेंस में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द सब्जेक्ट. एग्जांपल दिए गए, सीता इज रीडिंग अ बुक. देन सीता इज रीडिंग अ बुक, हियर दिस सेंटेंस सीता इज अ सब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इन एनी सेंटेंस a subject in sentence, then arise the question who. Example diya gaya, Sita is reading a book. Hum log question arise kar sakte hain, who is reading a book. Then jo answer milenge wahi aapko subject mil jayega. For example, Sita is reading a book. Who is reading the book? Sita is reading a book. Then jo answer mile, Sita. Right, so yahan par Sita kya ho jayega? Subject. Other verb is a word used to say something about some person or thing. Verb is a word, verb is aisa word hai used to say something jo kisi bhi person ke bare mein ya kisi bhi thing ke bare mein aapko action ko ya kaam ko batata hai subject ke liye. To usse hum log verb ke roop mein jaate hain. About the person or thing. Example diye gaye, Ram is ready. तो यहाँ पर क्वेश्चन एनालाइज किए जाएंगे, who अगर एनालाइज करेंगे देन सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएंगे, और what अगर एनालाइज किए जाएंगे तो हमारा वर्ब मिलेगा. जैसे दिए गए, राम इज रीडिंग, ठीक है, what is राम डूइंग, क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं, what is राम डूइंग, ये मिलेंगे आंसर यहाँ पर रीडिंग. सो यहाँ पर हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं कि who is reading, तो राम ये सब्जेक्ट हो गया, and what is reading, what is राम doing, then यहाँ पर reading, so यहाँ पर reading क्या है, हर reading. After that object, object जो definition दिए गए हैं, दो definition मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, an object is a person or thing affected by the verb of subject in sentence. किसी भी sentence में आपको जो person होंगे वो जो subject जो काम करेगा उसके द्वारा क्या होगा, affected, उसके द्वारा affected होंगे, यानी उसका प्रभावित करेगा, प्रभाव, ठीक है, या प्रभावित होगा. और एक definition दिए गए, the person or thing through which an activity passes. करा the person, वैसे person या वस्तु जो क्या होंगे, थ्रू बीच एक्टिविटी, ठीक है, जिसको कोई भी कार्य करने का एक्टिविटी है, ठीक है, जो कार्य करता है जिसका प्रभाव उसको पड़ता है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं. एग्जांपल दिए गए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे हियर दिस सेंटेंस क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट. क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट. मोर यूज ऑफ एपोस्ट्रोफीस, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी व्हेन नाउन शो पोजेशन और ओनरशिप ऑफ समथिंग वी यूज एपोस्ट्रोफीस. मतलब कि व्हेन नाउन शो पोजेशन, जब कोई नाउन किसी चीज को पोजेशन को दिखाता है, यानी किसी वस्तु को चीजों को रखने का ओनरशिप, यानी किस मालिक किसी चीजों को रखने को इंडिकेट करता है, समथिंग को, तो वहां पर हम लोग
अर्थी होता है कि सब्जेक्ट के पास कोई भी वस्तु रखने का राइट है या अधिकार है। एग्जांपल देखें, दिस इज विराट्स बुक, यह किताब किसकी है? विराट की। तो एपोस्ट्रोफीस को क्या करता है? रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इस दोनों के रिलेशन को क्या करता है? बताता है, इंडिकेट करता है। इस तरह से एपोस्ट्रोफीस का यूज करते हैं। यस फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम लोग इसमें फंडामेंटल थिंग आपको ग्रामर की चीजें देखे और इस आधार पर एपोस्ट्रोफीस के आधार पर आप एक्सरसाइज फोर्थ जो एक्सरसाइज है आपके उसमें एक्सरसाइज बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।